ये तमाम इनामात उस शख्स को मिलते हैं जो मुत्तकी बन जाता है। मुत्तकी किसको कहते हैं? अत्तकवा हिया इत्तकाउ अज़ाबिल्लाह बे इम्तिसाल अवामिरही व इज्तनाब नवाहीही। जिन चीजों का अल्लाह ने हुक्म दिया उनको करे और जिनसे मना किया उससे रुक जाए, इस शख्स को मुत्तकी कहते हैं। ये बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के पसंदीदा बंदों में है। अल्लाह ऐसे बंदे को अपना वली बनाते हैं। इसलिए फरमाया इन औलियाउहू इल्लल मुत्तकून, कि उसके वली वो होते हैं जो मुत्तकी लोग होते हैं। तकवा के बगैर इंसान को विलायत का दर्जा हाजिर नहीं हो सकता। मार्फत का नूर ही तकवा से मिलता है। चुनाव के एक बुजुर्ग फरमाते हैं वलो अन्ना अहलल कुरा आमन वत्तकौ, कि कुरान मजीद की आयत है, अगर ये बस्ती देशों वाले ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते। वो फरमाते हैं मा ना हो, इसका माना यह है लो अन्नहुम सदकु वादी, अगर वो मेरे वादों को सच्चा कर देते। वत्तकौ मुखालफती, और मेरी मुखालफत से बच जाते। लनवर तो कुलूबहुम बिमुशाहदती, तो मैं उनके दिलों को अपने मुशाहदे के नूर से मुनवर फरमा देता। तो जो इंसान अल्लाह की मुखालफत को छोड़ देता है उसी को अल्लाह का मुशाहिदा नसीब होता है। बल्कि अल्लाह ताला उस बंदे से इतना खुश होते हैं उसकी आने वाली नस्लों का भी लिहाज फरमा लेते हैं। एक हदीस पाक में है इन्नल्लाह यहफ़ज़ुर रजुल सालिहा फी अहलिही व वलदिही, कि अल्लाह ताला नेक बंदे के अहले खाना और औलाद की भी ईमान की हिफाजत फरमाते हैं। बाद अहदीस में है कि जब कोई बंदा अल्लाह को पसंद आता है अल्लाह ताला उसकी आने वाली 21 पुश्तों के ईमान की हिफाजत का वादा फरमा लेते हैं। और एक हदीस पाक में है इन्नल्लाह यहफ़ज़ु बिर्रजुल सालिही वलदहू व वलदा वलदिही, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नेक बंदे की औलाद को और जो आगे उसकी औलाद होती है उनको भी अल्लाह ताला ईमान की हिफाजत फरमा देते हैं। चुनाचे सूरह कहफ के अंदर एक वाकया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक दीवार बनाई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि यह दीवार क्यों बनाई? तो उन्होंने आगे से कहा कि इस शहर में यतीमैन फिल मदीना, दो यतीम बच्चे थे। बकाना तहतहू कंज़ुल लहुमा, इस दीवार के नीचे उन दोनों का खजाना था। वकाना अबूहुमा सालिहा, और उनके वालिद नेक थे। तो मुफस्सरीन ने लिखा कि उनके वालिद इतने नेक नहीं थे, उनके वालिद सातवें मर्तबे में जो उनके दादा थे वो नेक थे, उसकी बरकत से अल्लाह ने सातवीं पुश्त के माल की अगर हिफाजत फरमा दी तो अल्लाह उनके ईमान की कितनी हिफाजत फरमाते हैं। तो ये तकवा की कितनी बड़ी नेमत है कि इसके सदके अल्लाह ताला बंदे की भी हिफाजत फरमाते हैं, आने वाली नस्लों की भी हिफाजत फरमाते हैं। और एक खास बात कि जो बंदा नेक होता है, मुत्तकी होता है, अल्लाह ताला उसका अंजाम बखैर फरमाते हैं। हदीस मुबारक है इज़ा अराबल्लाह बिअब्दिन खैरन इस्तअमलहू, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ खैर का इरादा करते हैं तो उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको नेकी की तौफीक अता फरमा देते हैं। फकील, पूछने वालों ने पूछा कैफ यस्तअमिलहू या रसूल अल्लाह,
ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कैसे अल्लाह ताला इस्तेमाल फरमाते हैं? काल युवक्फिकुहू लिअमलिन सालिहिन क़ब्लल मौत, अल्लाह ताला उसको मौत से पहले नेक आमाल की तौफीक अता फरमा देते हैं। इसकी सूरतें देखिए कि जो शख्स मिसवाक की पाबंदी करता है तो इस सुन्नत के फवायद में से एक ये है कि जब उसकी मौत का वक्त आता है तो मलकुल मौत आते हैं, उस बंदे को बता देते हैं कि तेरी मौत का वक्त करीब है, शैतान को मारकर दूर भगा देते हैं और उस बंदे को कलमा पढ़ना याद दिला देते हैं। अब सोचिए ये कितना बड़ा इनाम है कि मलकुल मौत शैतान बदबख्त को दूर भगा दे और बंदे को कलमा याद दिला दे। तो जो बंदा अल्लाह को पसंद होता है फिर अल्लाह ताला उसका अंजाम अच्छा कर देते हैं, उसको नेक आमाल की तौफीक दे देते हैं। चुनाचे एक बुजुर्ग थे लेकिन हमारे एक करीबी दोस्त के वो फादर इन ला थे, सुसर थे, उस वजह से इस आजिज को उनसे एक ताल्लुक था। बस उनकी एक चाहत थी हर साल हज करना और रमजान मुबारक में मस्जिद नबवी के अंदर एतकाफ करना। ये दो बातें उनकी जिंदगी की खास तमन्ना थी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी जिंदगी में 53 हज किए और इतनी ही दफा शायद एतकाफ भी किया होगा मस्जिद नबवी में। उनकी चाहत यही थी, जैसे होता है ना हर बंदे की एक तमन्ना होती है, बस तमन्ना यही थी। दुआ मांगते थे कि अल्लाह आखिरी वक्त में मुझे जन्नत बकी में दफन होने की सआदत अता फरमा दे। अल्लाह ने उनकी दुआ ऐसे कबूल की, हैरान होते हैं रमजान मुबारक का महीना, आखिरी अशरा, एतकाफ की हालत में रियादुल जन्ना के अंदर बावजू हैं, असर की नमाज की नियत बांधी है, जब दूसरी रकत के सजदे में गए तो रूह परवाज कर गए। अब बताएं कितनी सआदतें अल्लाह ने इकट्ठी फरमा दी। बावजू मौत आना एक सआदत, फिर मस्जिद नबवी, फिर रमजानुल मुबारक, आखिरी अशरा, एतकाफ की हालत में, फिर रियादुल जन्ना के अंदर, फिर नमाज की कैफियत और फिर सजदे की हालत में जब जाते हैं तो सजदे में रूह कब्ज़ होती है, सजदे से उठते नहीं, वहीं उनकी वफात हो जाती है, जनाजा हुआ, जन्नत बकी के अंदर दफन हो गया। तो जो बंदा अल्लाह को पसंद होता है फिर अल्लाह उसका अंजाम अच्छा कर देते हैं।